भारत खासतौर से राजधानी दिल्ली पिछले एक दो हफ्ते से भयानक गर्मी से भबक रही है। हीटवेव के कहर से लोग परेशान हैं, चिलचिलाती धूप से लोग बेहाल हैं, लेकिन गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही है। उत्तर भारत के कई राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य से करीब 8 डिग्री सेल्सियस ऊपर चल रहा है। मई को ऐतिहासिक तौर पर देश का सबसे गर्म महीना माना जाता है। ऐसा होता भी है, लेकिन इस साल तापमान ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जो संभावनाएं, आशंकाएं और उम्मीदें थी, सब टूट गई हैं। लगातार 15 दिन से दिल्ली और आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है, रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं। गर्मी का ये प्रकोप काफी दिनों से जारी है। पश्चिम की तरफ से पूर्व की ओर हवा की दिशा बदली थी, थोड़ी सी राहत दिल्ली और आसपास के लोगों को मिली भी थी, लेकिन इसके बाद फिर सूरज गर्म हो गया, पूरी ताकत के साथ आग उगलने लगा। दिन का तापमान तो जला ही रहा है, रात का बढ़ता पारा भी शरीर को झुलसाने लायक हो चुका है। ऐसे में लोगों को टेंशन हो रही है कि आखिर ये गर्मी जून से पहले ही इतना परेशान क्यों कर रही है। लोगों के मन में ये सवाल है कि इस असहनीय गर्मी के पीछे क्या कारण है। दरअसल फिलहाल जो गर्मी है उसके पीछे एक वजह पश्चिम से आ रही गर्म हवा भी है। इससे रेगिस्तानी गर्मी बहकर उत्तर पश्चिम के मैदानी इलाकों में आती है। इसकी वजह से दिल्ली और उसके आसपास का तापमान तेजी से बढ़ जाता है। पारा 40 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर ही रहता है। ऐसे में पूरे देश में पसीना छुड़ाने वाली गर्मी से फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों में और गर्मी पड़ेगी, लेकिन कुछ मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि देश के पश्चिमी हिस्सों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन सकता है। इससे अरब सागर की नमी खींचकर देश के मैदानी इलाकों तक आएगी, तब जाकर गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन ऐसा कब होगा फिलहाल इसका कुछ पता नहीं है। अरब सागर की नमी और गर्म हवाओं की वजह से बारिश होने की संभावना है। इससे कुछ समय के लिए तापमान में गिरावट आएगी, हीटवेव से थोड़ी राहत भी जरूर मिलेगी, लेकिन ऐसा कब होगा इसके लिए कोई दिन नहीं बताया गया है। वहीं अगर आज के मौसम की बात करें तो राजधानी दिल्ली में 29 मई यानी कि आज लू का दौर जारी रहने की आशंका है। इस दौरान तेज गर्म हवाएं चलेंगी और दिन का पारा 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। इस खबर में बस इतना ही। ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म।